यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोर्टल ड्रैगन मास्टर के ऑर्डिनरी एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को पास्ट का सॉर्ड मेडन माउंटेन का एक छोटू सा माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम लोग का हीरो एक लड़की के साथ यहां पे फाइट कर रहा था। तभी वो लड़की फाइट करते करते कहती है कि बच्चे तुम्हें पता है ना, जो मेरा सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़की आ सकते हैं और तुम तो ठहरे एक लड़के, तुम यहाँ पे आने का जो जिद है वो छोड़ क्यों नहीं देते। और ये कहते हुए ना उस सेक्शन मास्टर हम लोग हीरो को इतने जोर से अटैक करते हैं जहाँ पर हम लोग हीरो दूर जाकर झिटकते हैं। और तभी जाओ के मुंह से ना यहाँ पे बहुत सारा खून आ जाता है, लेकिन हम लोग जाओ कहते हैं कि आज मैं अपने मॉम के साथ मुलाकात किए बिना ना यहाँ से जाने नहीं वाला। और तभी हमें उस सेक्शन मास्टर हम लोग हीरो के पास आते हुए कहते हैं, वैसे भी बच्चे तुम पहले बंदे हो जो कि मेरे इतने सारे शॉर्ट अटैक को झेलने के बाद भी ना टिके हुए हो, तो जिसके चलते मैं तुम्हें भागने का एक मौका दे रहा हूँ, तो जल्दी करो यहाँ से भाग लो वरना ना सच्ची में मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि जाओ का पिताजी जाओ से कह रहा था, अरे बच्चे तुम टेंशन काहे को ले रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं अपने जाओ क्लैन को कितने पावरफुल किए जा रहा हूँ। देखो ना अभी हम लोग जाओ क्लैन पहले नंबर पे आ चुके, और वैसे भी जाओ क्लैन के जितने सारे फोर्स है ना सबको इकट्ठे करने के बाद जो छोटा माउंटेन है उसे तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ही, अगर यहाँ पे फोर्स का जरूरत पड़े ना तो मैं फोर्स लगाने के बाद भी तुम्हारे मॉम को तो लेके आऊंगा ही। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ओहो, तभी मैं सोचूं आप जाओ क्लैन को इतने पावरफुल इतने जल्दी जल्दी क्यों कहे जा रहे हो। जो सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं, अरे मैं क्यों ना करूं, वैसे भी तुम्हारे माम ना गुस्से में चले जा चुके हैं और उसे अगर मैं वापस लौटा नहीं पाना तो मैं उसका पति कहलाने का लायक ही नहीं रहूंगा, वैसे भी मैं तो एक मर्द हूँ मर्द और मर्द को तो ऐसा करना ही पड़ता है। तभी ये सुनने के बाद जाओ कहते हैं ओहो, तो पिताजी आप जितने सारे फोर्स है उसे जब इकट्ठे कर लेंगे तो मैं तो एक प्रिंस बन जाऊंगा। और ये वाली बात सुनने के बाद ना उसके पिताजी कहते हैं ओहो बच्चे देखो तो तुम तो एकदम मेरे जैसा ही बनते जा रहे हो, मैं भी ना तुम्हारे दादाजी से सेम टू सेम वर्ड कहा था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया, हम लोग को जो फोर्जिंग हॉल है ना उसके पास का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि हम लोग का जाओ गुजर रहा था, लेकिन तभी ना गुजरते गुजरते उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ तो अलग हलचल होता है। और तभी अंदर झगड़ने के बाद उसे पता चलता है उसका जो सॉर्ड राइट डगन था ना यहाँ पे हलचल कर रहा था। तभी वो पूछते हैं कि सॉर्ड राइट डगन क्या हुआ, कुछ क्या गलत वलत हो चुके। तभी जो सॉर्ड राइट डगन था वो ना बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था, ये देखने के बाद जाओ उसे बाहर समन कर लेते हैं, लेकिन तभी ना वो जो सॉर्ड राइट डगन था झटपट करके जो फोर्जिंग हॉल था उसकी तरफ बनने लगता है और स्पीड के चक्कर में ना वो जो दरवाजा था उसे तो तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो जाओ डरी गया था और सो ही रहा था, आज तो मैं मरने वाला हूं, बैस हुई पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी सामने जाने के बाद उसे पता चलता है कि एम्स का जो सॉर्ड ऑफ ड्रैगन था ना आसपास का इक्विपमेंट का जितने भी इंस्क्रिप्शन था ना उसे अपने अंदर सोख रहा था, और ये देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा डरी जाता है। और इसी के साथ पैट्रिक के रूम का सीन दिखाता है, जहां पर कि जाओ का पिताजी लेटे लेटे सोच रहा था कि हम लोगों का जो जाओ क्लैन का भविष्य था ना ये बहुत ही उज्जवल होने वाला है, लेकिन तभी उन लोगों का क्लैन का एक एल्डर आता है जो आने के बाद कहता है ओए पैट्रिक तू क्या करे जल्द से जल्द यहाँ पे बहुत सारा चीज कर चुका है, लेकिन वो यहाँ पे ना बहुत ही हाफते हुए आ रहा था, तो जिसके चलते टेबल से तो कुछ उठा के पी लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है ये चीज ना बहुत ही गर्म था जिसे वो मुंह से फेंक देते। तभी ये देखने के बाद लोग जाओ के पिताजी कहते हैं अरे मैं तो ना इसे थोड़ी देर पहले ही बनाया था और मैं तुम्हें कहने वाला था, लेकिन तुम इतने झटपट से खा लिया कि मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन वैसे भी आप इतने जल्दी में क्यों। जो सुनने के बाद ओहो वेल्डर कहता है कि आपको पता भी है आपके जाओ ने ना इक्विपमेंट हॉल के अंदर से क्या क्या चीज को उठा लिया। जो सुनने के बाद अभी उसका पिताजी कहता है हाँ मुझे पता है मेरे जाओ ने मुझसे यहाँ पे परमिशन ले चुका था, लेकिन वो सुनने के बाद वेल्डर कहता है अरे आपको पता नहीं उसने क्या क्या लिया, लेकिन हाँ चलो कुछ नहीं आप भी चलो आप जाने के बाद ही देखो उसके अंदर से उसने क्या क्या उठाया। जो सुनने के बाद पैट्रिक कहता है ठीक है चलिए मैं चलता हूँ देखता हूँ कि मेरे बेटे ने अभी क्या कर दिया। और तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रिक जब फोर्जिंग हॉल के अंदर घुसता है तब अंदर का नजारा देखने के बाद ना वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि फोर्जिंग हॉल के अंदर ना एक भी तलवार तो छोड़ो एक भी इक्विपमेंट का नामो निशान नहीं था, सबके सब ना साहब का जो तलवार था उसने तो खा लिया था। और ये देखने के बाद हम लोग पैट्रिक हंसते हुए कहते हैं तो एल्डर क्या एल्डर ये सब मेरे बेटे ने किया। तभी ये सुनने के बाद ना वो पैट्रिक कहते हैं हाँ तुम्हारे बेटे ने ही किया। और तभी ना हम लोग पैट्रिक फिर से कहते हैं तो इनमें से कोई किसी का ऑर्डर नहीं था ना, यानी कि कोई किसी के नाम पे नहीं था ना। तभी जो सुनने के बाद एल्डर कहते हैं नहीं ये इसमें तो कोई किसी का ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बंदों ने ना बहुत सारे तलवार का ऑर्डर दे रखा है उसे ना कल परसों के अंदर भेजना पड़ेगा। तभी हम लोग पैट्रिक ना यहाँ पे झुकते हुए कहते हैं कि वैसे भी जो सब क्लैन है ना वहाँ से बहुत सारे हम लोग को मटेरियल मिल चुका है, तो उन लोगों को यूज करते हुए कुछ तलवार बना दीजिए मुझे माफ कर देना इस बार के लिए। तभी जाते हुए वेल्डर चिल्लाते हुए कहता है ठीक है वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन पहले ये जो दरवाजा ना इसके बारे में कुछ बंदोबस्त करो, क्योंकि ऐसा अगर है ना तो ये देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी यहाँ पे वो जाले जाने के बाद ना हम लोग का पैट्रिक सोच रहा था वैसे भी मेरे बच्चे तुमने ना यहाँ से बहुत सारे इक्विपमेंट को उठा चुके हो, और अगर कल वाले मैच में इसका कोई रिजल्ट ना दिखाना तो मैं तुम्हें ना छोड़ने नहीं वाला। और यहीं पर ही हम लोग जाहू को दिखाया था जो कि अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बाइकी और छोटू को देख रहा था, जहाँ पर वो देखते देखते सोच रहा था कि मेरा बाइकी तो पहले से पावरफुल है, लेकिन अभी छोटू भी रिकवर होने के बाद ना बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। और यहीं पर ही जो सॉर्ड ड्रैगन है अभी अभी बहुत सारे सॉर्ड को एब्जॉर्ब कर चुका है, पता नहीं इतने सॉर्ड एब्जॉर्ब करने के बाद ये कितना पावरफुल बनेगा, लेकिन जो भी हो मेरे पिताजी ना मुझे छोड़ने नहीं वाला।
और तभी वो ग्रीनी को देखने के बाद सोचते हैं, वैसे भी ग्रीनी अभी तुम सबसे कम जरूर, चलो तुम्हें कुछ मैं खिलाता हूँ। और इसी के साथ ग्रीनी को ना वो जो 100 साल पुराना एसेंस था, और हाँ उसी के साथ जो एलिमेंट जो कि हम लोग कोई फीस मामू ने कहा था, वो एलिमेंटल जो स्प्रिट था उससे भी हम लोग छोटू ग्रीनी को खिला देते हैं। जिसे खिलाने के बाद ग्रीनी तो आहिस्ता आहिस्ता उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। और जहाँ पे बाहर का सीन दिखाने पर हम लोग को पता चलता है जाओ तो यहाँ पे बैठे बैठे मेडिटेट कर रहा था। और तभी वो मेडिटेट करते करते वो ब्रेक थ्रू कर लेता और कहता है कि यहाँ पर ग्रीनी को ये वाला पोषण खिलाने के बाद ही ना मेरा जो सोल पा था वो तो बहुत ही फास्ट फास्ट बढ़ गए, ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा सोल पावर तो एकदम हाई लेवल पहुंच जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे वो भूलने वाला कोई मामू आता है, आने के बाद कहता है वही जाओ तूने जो 100 साल का एसेंस था और जो एलिमेंटल स्पिरिट था उसे खिला दिया ना, तो जल्दी जल्दी कर तेरा ग्रीनी को बाहर निकल, मुझे ना उसे देखना है। तभी यहाँ पे जाओ कुछ ना सोचते हुए ना वहीं पर ही ग्रीनी को निकाल देता है, जिसके चलते जो घर था वो तो टूट जाता है। लेकिन जो हम लोग कोई फिर बेचारा बाहर झिटक देता है। और तभी यहाँ पे जो घर था उसे हम लोग अच्छे से दिखाने के बाद पता चलता है यहाँ पर घर नाम का कुछ चीज ही नहीं था। जहाँ पर जाओ सोच रहा था मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे देखना चाहिए था ये ग्रेनी कितना बड़ा है। तभी यहाँ पे जो कोई थे ना वो हम लोग जाओ को चिल्लाता है और कहता है अरे बच्चे तुझे पता भी है क्या तू यहाँ पे क्या कर चुका है, तू क्या यहाँ पे मुझे मारना चाहता था। लेकिन तभी कोई मामू ना हम लोग ग्रेनी को देखने के बाद चौंक गया था, क्योंकि वो वाला एसेंस खाने के बाद ना हम लोग ग्रेनी तो नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व हो चुका था। जहाँ पर ग्रेनी अभी बहुत ही बड़ा हो चुका था, जिसे देखने के बाद ना जाओ भी सोच रहा था अरे ग्रीनी तू तो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे निनियन भागते हुए आती और कहते हैं क्या यहाँ पे आज कोई आ चुका है। लेकिन तभी वो भी ना हम लोग ग्रीनी को देखने के बाद चौंक गई थी और कहते हैं क्या ग्रीनी इतनी जल्दी इतना बड़ा बन चुका है, ग्रीनी तू तो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। कहने के बाद ना निनियन झटपट करके जाकर ना ग्रीनी को यहाँ पे प्यार करने लगते। और तभी यहाँ पे पीछे से कोई मामू आने के बाद बताते हैं ओहो तुम्हारा ड्रैगन तो देखो एक डिवाइन वुड ड्रैगन में तब्दील हो चुका है। वैसे भी मैंने कहा था ना वुड एसेंस बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए, इसका जो फॉरेस्ट वाला ब्लड लाइन था ना वो चेंज हो गया, अभी वुडेड ब्लड लाइन हो गया और पहले से भी ना ये बहुत पावरफुल बन चुके। जैसे कि मानो तुम्हारे ड्रैगन को यहाँ पे किसी का हार्ट देता हो या फिर किसी का फ्लेश देता हो या फिर किसी ड्रैगन को ही देता हो ना, तो ये ऐसा ऐसा जो फॉरेस्ट ड्रैगन में उसमें तब्दील हो सकता है। हाँ बच्चे तुमने यहाँ पे जो वुडेड ड्रैगन का एसेंस दिया और इसी के साथ जो 100 साल पुराना एसेंस दिया ना, जिसके चलते अभी तुम्हारे जो ड्रैगन है उसका ब्लड लाइन चेंज हो गया, एक वुडेड ब्लड लाइन में तब्दील हो गया। मेरे बच्चे जाओ मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड लाइन है ना वुड वाला ये बहुत ही पावरफुल होता है। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं ओ ऐसा बात, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरा ड्रैगन तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी वो फिजी मामू फिर से कहता है लेकिन जाओ मेरे बच्चे तुम्हें पता है अभी जो फोप जूस है उससे तो इसका कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारा बहुत पैसा जाने वाला है क्योंकि तुम्हें अभी ऑडिशन से खिलाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जाओ सोच रहा था अभी मेरा पैसा तो और जाने वाला है। और तभी पे फिशी मास्टर का बात सुनने के बाद ना निनियन कहते हैं कि तो जाओ तुम मुझे कब देने वाले हो। तभी पे जाओ जब निनियन की तरफ देखते ना तो उसके नोज यहाँ पे ब्लेड होने लगते हैं, क्योंकि निनियन ना यहाँ पे आत को एक समझ के ना नहाते नहाते बाहर आ चुकी थी। तभी पे निनियन को भी पता चल जाता कि वो अभी क्या पहनी है और ये देखने के बाद वो कहते हैं कि ओए जाओ तू अपने आंख को बंद कर ले तू यहाँ पे बहुत ही कमीना बन रहे। तभी हमें पीछे से नैन कहते हैं कि तुम इतने रात गए बाहर क्या करो जल्दी करो घर में आ जाओ। तभी यहाँ पे जाते जाते ना निनियन पीछे की तरफ जाओ को देखते और शर्माते हुए अंदर चली जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके एक लड़की को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे सबसे कह रही थी कि आज वैसे भी जो इंडियन कॉन्टिनेंट का ब्रॉन्ज चैंपियन है ना उसका लास्ट मैच होने वाला है, तो सब यहाँ पे अच्छे से फाइट करना। और इसी के साथ जो मैच था ना उससे वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की बहुत सारे बंदे यहाँ पे ऑलरेडी मैच के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी हमें उसे ड्रैगन प्लेस को डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए अपने सीनियर से कह रहा था कि ब्रदर मेरा जो रिवेंज है ना उसे अच्छे से लेना, वैसे भी आप जाओ को छोड़ना मत। तभी यहाँ पे जाते जाते वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे जाने दूंगा। और इसी के साथ वो भी एरिना की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एरिना में जाते जाते ना वो कुछ ऐसा देखते हैं जो देने के बाद दो बंदा तो बहुत ही डर गया। अभी ना उसके सामने क्यूआर सेट का जो क्लिंग फॉर्मेशन था वो एक्टिव हो चुका था और यही पे क्यूआर सेट से ना बहुत सारे बंदे आ चुके थे। और ये देखने के बाद वो बंदे कहते हैं अरे अरे आप लोग यहाँ पे ऐसे ही क्यों खड़े हो, आप लोग फाइट करो, वैसे भी मैं यहाँ पे ना जस्ट देखने के लिए आया था। और ये कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाते और जाते वक्त सोच रहा था कि ये जाओ बच्चा तो मरने वाला है, वैसे भी यहाँ पे एक नहीं 5-6 क्लैन एक साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, वैसे भी जाओ तू आज गया मुझे तो तेरे बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर ही हम लोग जाओ यानी प्रोटागोनिस्ट भी ना ये जो क्यूआई फॉर्मेशन था यानी क्लिंग फॉर्मेशन था उसे पहचान लेता है, जहाँ पे उसके आसपास बहुत सारे ड्रैगन और ड्रैगन मास्टर आ चुका था। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ कहते हैं तो ठीक है तुम लोग अगर यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ ही चुके हो ना तो मैं भी तुम लोग को मार ही दूंगा। और इसी के साथ वो अपना जो ग्रीनी ड्रैगन है यानी कि नया तब्दील हुआ उडेड डिवाइन ड्रैगन को निकल लेते हैं, और जिसे देने के बाद आसपास का सब बंदा चौंक देते हैं। और तभी वो रॉयल बंदा कहते हैं कि एक दिन के अंदर ये जो ड्रैगन था इतने जल्दी जल्दी ग्रो कैसे कर ले। तभी जो देने के बाद जो बंदा जिसका अभी हाथ हम लोग जाओ ने कटा था ना वो कहता है कि यहाँ पे अगर जाओ क्लैन का जो पैटिक है वो भी आ गया ना तो भी आज बच नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो क्यूआई सेक्ट है ना उसका सबसे पावरफुल क्लिंग फॉर्मेशन एक्टिव हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग को एरिना का सीन दिखाया था जहाँ पर कि बहुत सारे ऑडियंस पाई ना एरिना का जो नीचे का ग्राउंड है उससे फोड़ते हुए बाहर निकल रहा था, जिससे कि जितने सारे यहाँ पर ड्रैगन थे ना सब यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हैं
ग्रेनी ऊपर चला जाता है, लेकिन तभी नीचे से ना एक बहुत ही पावरफुल पूल ड्रैगन यहाँ पे हम लोग जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन तभी हम लोग ग्रेनी उसे देख लेता है और जो ड्रैगन आगे बढ़ा था ना उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त माफी कुछ तो आता है, जहाँ पर वो जो ऊंट था ना आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही बड़ा सा हाथ का रूप ले लेता है और जो ड्रैगन था उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन ना अपना फायर रोलर को रिलीज करता है और इसे देखने के बाद उसका ड्रैगन डेमन कहता है कि जाओ तू नहीं जानता क्योंकि मेरा जो ड्रैगन है ना ये फायर टाइप का है और ऊंट तो इससे जल जाएगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग का जो ग्रेनी था ना अपने जो वाटर एसेंस था उसे भी यूज करता है और जिसे यूज करने के बाद ना उस ड्रैगन को फेंक देते हैं, जहाँ पर ये देखने के बाद उसका ड्रैगन डेमन सो जाता है क्या इसके पास वाटर एलिमेंट का पावर है और मेरे ड्रैगन का जो फायर था ये उसके लिए कुछ काम का ही नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उसका जो ड्रैगन था ना अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ ही बढ़ रहा था, जहाँ पर एक तीर में वो दो निशान कर लेता है और वो जो ड्रैगन था ना अपने ड्रैगन मास्टर के ऊपर जाकर गिरता है। तभी ये देखने के बाद जाओ सोच रहा था कि जो कोई फिश ने कहा था ये तो यहाँ पर सच्ची निकल गया, शुक्रिया हो उस ब्लैकर का जिसके बात सुनने के बाद ना मैं जो वाटर एलिमेंट था उसे भी ग्रीनी को खिला दिया। और तभी दिखाया जाता है अचानक से ना एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन ना हम लोग जाओ के एकदम करीब से निकलता है और ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ही डर गया था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।